हेलो एवरीवन, मैं ललित देवा एंड आई एम सर्टिफाइड क्रिकेट कोच एंड यू आर वाचिंग क्विक क्रिकेट स्किल। आज का मेरा टॉपिक बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बैटिंग कर रहे हो तो आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आप तब तक सोचोगे, मैं आपको खुद बता देता हूँ कि एक बैट्समैन के लिए उसका जजमेंट शार्प एंड क्लियर होना चाहिए। तो आज मैं बताऊँगा आपको कि आप जजमेंट में क्या सबसे दो बड़े मेजर फॉल्ट हैं जो बैट्समैन करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो जजमेंट होता है वो इफेक्ट करता है, मतलब बॉल को जज करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। क्योंकि आप कोई भी शॉट जब ही खेल पाओगे जब आपका क्लियर, आपका जजमेंट शार्प एंड क्लियर होगा। आपको पता होगा कि अगर बॉलर ने आपको बॉल फ्रंट फुट पर रिलीज़ किया तो आप उस पर कौन सा शॉट खेल सकते हो, आपको बॉल लीव करना है तो आप कौन से बॉल को लीव करोगे, आपको शॉर्ट पिच बॉल कहाँ गिरेगा, कट पुल, सारे शॉट आप कौन सी बॉल पर परफॉर्म करते हो। आप जब इन सारे शॉट को अकॉर्डिंग टू द बॉल प्ले कर लोगे तो इट मीन्स आपका जजमेंट शार्प एंड क्लियर है। और बहुत सी कंडीशन ऐसे भी होती हैं जहाँ पर बैट्समैन डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मुझे बॉल कहाँ खेलना है, कैसे करना है। मैं उसका भी एक रीज़न बताऊँगा आपको, ये सारी कंडीशन जो बनती हैं वो क्यों बनती हैं। तो बी हेयर, वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड मेक श्योर आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपने वीडियो स्किप कर दी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट होने वाली हैं। अब मान लीजिए अगर आप 5 से 6 मिनट का ये वीडियो देख लेते हैं पूरा, अगर आप 1 मिनट का स्किप भी करते हैं तो आप उसे 1 मिनट में क्या कर लोगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो बी हेयर, वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ एक बिगिनर को क्या क्या कंडीशन फेस करनी पड़ती हैं जब वो अपना क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, तो जजमेंट वाले पार्ट में क्या क्या दिक्कतें उनको करनी पड़ती हैं। देखिए, जब आप एज ए बिगिनर हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ती हैं। आपको अपना स्टांस, बैकलिफ्ट ग्रिप, आपका फुटवर्क, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करनी पड़ी, साथ साथ उसके साथ साथ जजमेंट भी। अब देखिए, आप बिगिनर हैं तो अभी आपको पहले तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप अगर आपको नहीं पता कि फ्रंट फुट पे बॉल कौन सा खेला जाता है तो आप उसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। आप उस ऐसे हम कोई भी चीज़ को हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, सिमिलरली आपको फ्रंट फुट का हाफ वॉलीबॉल अपने दिमाग में कंप्यूटर की तरह फीड करना है। और वो फीड कैसे होगा, आप जितनी ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस कर लोगे। आप सामने से किसी को खड़ा कराइए और कंटिन्यू बॉल अपने फ्रंट फुट पर डिलीवर करवाइए जब तक कि आप उसके हैबिचुअल ना हो जाए। सिमिलरली आप बैक फुट, फ्रंट फुट, देखिए जो बिगनर के साथ में दिक्कत आती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें कौन सा बॉल फ्रंट फुट खेलना है, कौन सा बॉल बैक फुट खेलना है। तो वहाँ पर खाली आपके पास खाली एक ही वे है, देर इज़ नो अनदर वे टू इम्प्रूव योर जजमेंट फॉर बिगिनर। यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ये तो हो गया आपका बिगिनर के लिए। तो आप अगर बिगिनर हो तो आप सारे शॉट को स्ट्रॉन्ग करिए, फ्रंट फुट पर बॉल फीड करवाइए कंटिन्यू जब तक कि आपके दिमाग में ये बात फीड नहीं होती कि फ्रंट फुट पर बॉल कौन सा होता है, बैक फुट पर बॉल कौन सा खेलना है। और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है किसी कोच के अंडर में, क्योंकि आपको नहीं बताना किसी बॉल को कैसे खेलना है, किस पैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो आप जब एज ए बिगिनर ये सारी चीज़ों पर कमांड कर लेंगे, उसके बाद जो आता है थोड़ा सा अलीट लेवल पर, कि अलीट लेवल पर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। देखिए, आप जब बिगिनर हैं तो वहाँ पर तो आपके जो फॉल्ट हैं उनको पकड़ के उनमें करेक्शन बहुत ही ईजिली लोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता कि आप फ्रंट फुट पर कौन सा बॉल खेलना है, आपको अपना बॉल एक फ्रंट फुट फीड करवाना है, जहाँ पर बॉल फीड हो रहा है आपने अपना फ्रंट फुट वहीं पर मूव आउट किया और वहीं पर डिफेंस कर दिया। अगर बॉल आपको परफेक्ट हाफ बॉल मिला, आपने ड्राइव खेल दिया, अगर आपको सिमिलरली बॉल आपको एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल मिला तो आपको, या फिर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल मिला, आपको शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल मिला, आप पीछे गए, अपने बैट अपने एकदम हेड के नीचे रख के और बैक फुट डिफेंस कर दिया, कट का बॉल मिला ऑफ स्टंप के बाहर, शॉर्ट पिच बॉल, आपने यहाँ से कट खेल दिया, अपने पुल खेल दिया। तो ये सारे शॉट आप कंटिन्यू, इनकी पहले आप प्रैक्टिस करिए, इनका एक दिमाग में इनकी इमेज बनाइए। इमेज बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बैट्समैन के लिए। तो आपको कम से कम एक शॉट की 10,000 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुनील गावस्कर जी का भी एक उन्होंने कहावत है कि आपको कोई भी शॉट स्ट्रॉन्ग करने के लिए कम से कम उसकी 10,000 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था एक बिगिनर के लिए। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता दे रहा हूँ वर्बली, मैं अपनी एकेडमी में आज तक बहुत सारे बच्चे ट्रेन कर चुका हूँ, तो मैं उनके साथ ये प्रैक्टिकली देखा हुआ मैंने कि एक बिगिनर को आप जजमेंट कैसे उसका शार्प करवाओगे। उसका शार्प करने का एक ही तरीका, आप प्रैक्टिस करवाइए उसको एक प्रोफेशनल वे में। चलिए, ये तो पूरा हो गया एक बिगिनर के लिए, जो बिगिनर जो प्रॉब्लम फेस करता है। अब मान लीजिए आप बैट्समैन हैं, आपको सारे शॉट आते हैं, आपको पता है आप फ्रंट फुट ड्राइव आपको किस पे खेलना है। आप जब बैटिंग कर रहे हो, अभी अपने आप नॉकिंग कर रहे हो, तो आपको ऊपर हाफ वॉली मिलता है, आप एक करारा फ्रंट फुट ड्राइव खेलते हो, या आपको एक बैक फुट का बॉल मिला, आपने बैक फुट ड्राइव एक करारा शॉट खेला, कट पुल, ऑल द शॉट्स यू प्लेड विद अ परफेक्शन। बट अब जब मैच बैटिंग कर रहे हो तो मैच में क्या होता है, देखिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो आपके जजमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, और ये आपके साथ नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। जब बैट्समैन आउट होता है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होता है। आप मान लीजिए आपने कोई शॉट की प्रैक्टिस 10,000 बार करी हुई है, तो फिर क्या मजाल कि आप उस शॉट को खेलने के लिए बॉल को जज ना कर पाएँ। लेकिन ऐसा कब होता है, देखिए आपका जो हमारा जो ब्रेन ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि एक बार में
एक चीज़ को परफेक्शन के साथ कर सकता है। अगर आप इसको एक साथ दो तीन कामों में लगा दें और फिर आप चाहें कि ये सारे काम परफेक्शन से कर दे तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल माय डियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी बैटिंग कर रहे हो तो आपको केवल आपका माइंड एक बार में एक काम को 100% एफर्ट के साथ में परफेक्शन के साथ में कर सकता है। अगर आप सोचें अगर बैटिंग कर रहे हैं आपके दिमाग में कुछ अनदर टॉपिक आ गया तो अभी आपका फोकस खाली आपकी आंखें बॉल पे रहेंगी बस। जैसे मान लीजिए मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ते हुए मेरी आंखें बुक पे है लेकिन मेरा दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो वहाँ पे मैं जो भी पढ़ रहा हूँ बस खाली वर्बली वो खाली मैं उसको बकता जा रहा हूँ। सिमिलरली बैटिंग में आप बैटिंग कर रहे हो, मान लीजिए आपके दिमाग में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए कोई दूसरा थॉट आ गया इस गेम से बाहर, तो वहाँ पे आपका जजमेंट डिस्टर्ब होना ही होना है, क्योंकि जजमेंट आप कहाँ से करते हो, अपने आँखों से खाली, बस आपको विजुअलाइज करते हो बस, आँखों से आप कुछ नहीं करते हो, लेकिन उसकी जो आप उसकी एक्सप्लेन जो करते हो अपने दिमाग में करते हो। तो अगर आप आँखों से आपकी आँखें यहाँ पर लेकिन आपका दिमाग थोड़ा सा कहीं बाहर चला गया तो वहीं पर आपका जो जजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, ये तो फॉल्ट हो गया, एक जजमेंट आपका जो इफेक्ट होता है। अब इस आप फॉल्ट को करेक्शन कैसे करोगे, आपको सबसे ज़्यादा जो है आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और आप जितना ज़्यादा योगा कर सकते हो उतना ज़्यादा योगा। आपने देखा होगा बैट्समैन जब बैटिंग करते हैं हर शॉट को खेलने के बाद थोड़ा सा स्क्वायर की तरफ घूम के आते हैं, वो पता है बेसिकली करते क्या है, बेसिकली वो अपने आप को थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करने के लिए अपने आप को बोलते हैं। आपने भी सोचा होगा, कभी सुना होगा जो बड़े बड़े बैट्समैन होते हैं नेट में बैटिंग करते हैं, मैंने सुना है कभी बार जब मैं स्लिप में कभी फील्डिंग करता हूँ तो वो हमेशा अपने आप को बोलते रहते हैं फोकस 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 कम ऑन अपना नाम लेके, या फिर अपने आपको अब्यूज़ करके भी, बहुत सारे बैट्समैन अपने आपको अब्यूज़ भी करते हैं। तो दिस इज ऑल थिंग्स वो क्यों करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए, अपने दिमाग को वहीं पर उसको स्थिर रखने के लिए। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आप शॉट खेलने के बाद थोड़ा सा स्क्वायर की तरफ वॉक कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने आप को बोल सकते हो कि व्हाट टू डू नाउ। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल, आपका जजमेंट लेवल जो इफेक्ट करता है। अब देखिए आपको आप दिमाग में आप कुछ भी चल रहा हो लेकिन आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करने की ज़रूरत खाली कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की पड़ती है, व्हेन द बॉल इज़ रिलीजिंग। ये देख एक क्रूशियल टाइम होता है जब एक बॉलर बॉल रिलीज कर रहा होता है, उस टाइम पे आपका दिमाग का जो 100% फोकस होता है वो होना चाहिए उसके रिलीजिंग पॉइंट पे, केवल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए। आपको एक सेकंड का भी टाइम लगता होगा मेरे हिसाब से तो बॉल छूट के हाथ के आपके बैट पर आने तक के लिए। आपको क्या जरूरत है, आप खाली फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपने दिमाग को कंट्रोल करिए, अपने दिमाग में सारे थॉट्स को डिलीट करिए, सारे थॉट्स को निकाल के फेंकिए, खाली फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए बॉलर के हाथ में फोकस करिए और फिर इसका रिजल्ट मुझे बताइए। मैं भी तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप जो मैंने आपको सजेशन दिया वो कितना यूज़फुल हो रहा है। फिर आप देखेंगे आपने अपने दिमाग को एकदम एम्प्टी कर दिया फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए, मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं करने को बोल रहा हूँ, खाली फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपने दिमाग को आप एम्प्टी कर दीजिए और फिर आप बॉल को जज कर दीजिए। आप आँखों से जैसे आप बॉल को विजुलाइज़ करोगे आपकी आँखें जो हैं कोई भी बाहर से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगी और आपके दिमाग में फेंक देंगी। आपका दिमाग अगर खाली है और पूरा उसका कॉन्सेंट्रेशन वहीं पर है तो वो इन्फॉर्मेशन को फटाफट से सॉल्व करके आपको बता देगा कि भाई ये तो फ्रंट फुट का बॉल है, पैर निकालो खेल दे। हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है कैसे करती है, हमारी आँखें कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद सीधे अपने दिमाग वाली चैम्बर में फेंक देती हैं, ले भाई इसको जरा सॉल्व करके दिखा। तो दिमाग क्या करता है, दिमाग आपने जो पहले इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डाली हुई है, पहले जो आपने कलेक्ट की हुई है, उसी के बिहाव पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्विकली एज पॉसिबल आपको निकाल के देता है, उसी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। जैसे हम सेम कंप्यूटर में करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले कंप्यूटर में कोई चीज़ फीड करते हैं, उसके बाद हम फटाफट से सर्च वाले कॉलम में जाके उसको वहाँ से सर्च करेंगे और फटाफट से वो चीज़ निकल के सामने आ जाएगी। आपका जो दिमाग है, यो माइंड इज़ ऑल्सो वर्किंग लाइक ए कंप्यूटर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने दिमाग को फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए कॉन्सेंट्रेट करना है बॉल पर, रिलीजिंग पॉइंट पर, बस आपकी बैटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। और आप मुझे बताइए कि आप फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपने दिमाग को एम्प्टी करके कैसा फील कर रहे हैं और आपका जजमेंट शार्प हो रहा है नहीं हो रहा। और अब ध्यान रखें जो मैंने लास्ट वाला टिप शेयर किया ये बिगिनर के लिए बिल्कुल नहीं है, बिगिनर को नीड है जस्ट डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।